ईदा जुम्मा के अवसर पर शहर समेत ग्रामीण अंचलों के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शहर की बड़ी मस्जिद के सामने सड़क पर हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। मौके पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण खेलकूद पर्यटन कला संस्कृति विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अपने विधानसभा क्षेत्र के आवास स्थित केला बगान की मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। मौके पर उन्होंने कहा कि यह रमजान का आखिरी जुम्मा और रोजा है। आज अरब के लोग ईद मना रहे हैं, कल हम सभी भारतवासी ईद मनाएंगे। उन्होंने अलविदा जुम्मा और ईद को लेकर पूरे देशवासी व झारखंडवासियों को शुभकामनाएं दी। रमजान का जो आखिरी दिन भी है और अलविदा भी है, बहुत खुशी की बात है। सब जिस तरह आज ईद सऊदी अरब में मनाया गया है, तो उम्मीद है कि कल हम लोग यहाँ मनाएंगे। तो ईद के मौके पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशी के साथ, भाईचारगी के साथ ईद सब शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जी। India loves going online for all its needs. From fashion to food, we've got an app for everything. But ordering medicines online is a fairly new concept. People often find buying medicines complicated and have their reservations when it comes to purchasing online. Flipkart Health Plus,